केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के क्षेत्र अमेठी के मुख्यालय गौरीगंज में मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला चिकित्सालय में डिजिटल एक्सरे की यूनिट स्थापित की गई, जहां पर प्रतिदिन आने वाले सैकड़ों की संख्या में मरीजों का एक्सरे किया जाता रहा है। किंतु इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक्सरे के उपरांत मरीजों को किसी प्रकार की रिपोर्ट अथवा फिल्म नहीं प्रदान की जाती, बल्कि मरीजों से यह कहा जाता है वो अपने मोबाइल पर कंप्यूटर सिस्टम पर दिख रही फोटो को खींच लें और ले जाकर डॉक्टर को दिखा दें। लेकिन वहीं पर तमाम ऐसे मरीज गाँव से आते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होता, जिसके कारण वह फोटो भी नहीं खींच पाते। इस मामले में जब डिजिटल एक्सरे के टेक्नीशियन इंचार्ज अशोक कुमार नाइक से बात की गई तो उनके द्वारा पहले ही फिल्म ऑर्डर की जा चुकी है, लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं हो सकी, इसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। मैं यहाँ जिला हॉस्पिटल आया हूँ, मुझे क्योंकि अपने नाक का एक्सरे करवाना था। और यहाँ पे आया, जब मैंने एक्सरे कराया तो यहाँ पता लगा कि यहाँ पे अभी प्लेट मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मोबाइल में ऐसे फ़ोटो खींच लें, जिसके पास मोबाइल फ़ोन ना हो तो वो कैसे क्या कहते हैं फ़ोटो खींचने देख सकते हैं। आप ऐसे कहा कि मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो खींच लीजिए, और जब किसी के पास मोबाइल जिसके पास स्मार्टफोन ना हो वो कैसे क्या कहते हैं अपनी रिपोर्ट लेगा, और यहाँ कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगा। एक्सरे कराने आए थे, एक्सरे जो है मिला नहीं, बता रहे हैं फिल्म नहीं है, मोबाइल में खींच के दिए हैं, कहें ले जाओ इसको डॉक्टर दिखाओ। तो आपके पास स्मार्टफोन है, उसमें आपने खींचा? हाँ। तो ऐसे में जिसके पास स्मार्टफोन नहीं होता वो कैसे करते हैं? जिसके पास नहीं है उसको बोल रहे हैं बाद में। जो डिजिटल एक्सरे है उसकी प्लेट नहीं है, पर जो साधारण एक्सरे होता है उसकी प्लेट उपलब्ध है, और वहाँ से डिमांड आज ही मेरे पास आई है। इससे पहले मुझे संज्ञान में नहीं था, मैंने शीर्ष प्राथमिकता देते हुए इसको स्टोर इंचार्ज है उनके पास भिजवा दिया है। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आ जाए।